आप सभी जानते हैं कि टाइगर के सामने बड़े बड़े जानवर घुटने टेक देते हैं, लेकिन कुछ ही दिन पहले रणथंभौर से एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो गए। दरअसल हुआ ये था कि एक T120 नाम का टाइगर आराम से पेड़ के नीचे सुस्ता रहा था, तभी उस टाइगर के करीब से एक कुत्ता ऐसे निकलने लगा मानो उस कुत्ते के सामने जंगल का सबसे खूंखार जानवर नहीं बल्कि कोई चारा खाने वाली बकरी सोई हो। और इतना ही नहीं, जब टाइगर नींद से जागता है तो कुत्ता अपनी जान बचाकर भागने के बजाय अपने से कई गुना ताकतवर शिकारी को डराने के लिए न केवल उस पर भौंकने लगता है बल्कि उस टाइगर को हल्के में लेकर उस पर लपकने की भी कोशिश करता है। लेकिन बेचारे कुत्ते को ये पता नहीं था कि जिस टाइगर को उसने ललकारने की कोशिश की वो टाइगर रणथंभौर में किलिंग मशीन के नाम से फेमस है। उसने न केवल तेंदुए जैसे शिकारी जानवर का शिकार किया है बल्कि उस टाइगर ने तो स्लॉथ बेयर और लकड़बग्घों को भी नहीं छोड़ा है। अब जिस टाइगर ने जंगल के खूंखार जानवरों को तक नहीं छोड़ा तो वो टाइगर ऐसे दुबले पतले कुत्ते को कैसे छोड़ सकता है। जैसे ही कुत्ते की आहट से टाइगर जागा उसके बाद सिर्फ 8 सेकंड में ही उस टाइगर ने उस कुत्ते का काम तमाम कर दिया और उसे घसीटते हुए जंगल के अंदर लेकर चला गया। इस घटना को पास में ही खड़ी गाड़ी में बैठे पर्यटकों ने रिकॉर्ड किया। इस घटना को लेकर कई लोगों का मानना है कि ये एक बना बनाया प्लान था जिसमें पर्यटकों ने अपने मनोरंजन के लिए एक कुत्ते की बलि दे दी। और कुछ लोगों का कहना है कि अगर कुत्ता गलती से टाइगर के करीब चला भी गया तो उसे चुपचाप पतली गली से निकल जाना चाहिए था। तो दोस्तों, इस बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बता।